हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या एनालॉजी है, क्या सिमिलरिटी है, कैसे हम एक को स्टडी करके उसके बेसिस पर दूसरे को स्टडी करें। अब हम देखेंगे कि कोई रिजिड बॉडी की कितने टाइप की मोशन हो सकती है, रोलिंग मोशन क्या है, प्योर रोटेशन क्या है, प्योर ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इन डिफरेंट टर्म्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं रोलिंग मोशन। हमारे आसपास पाई जाने वाली ये सबसे बेस्ट मोशन होती है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होती है। जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जो व्हील रोड पर मूव करता है वो कैसी मोशन में होता है, रोलिंग मोशन में। कार की व्हील रोलिंग मोशन में, बाइक की व्हील रोलिंग मोशन में, ट्रक की व्हील रोलिंग मोशन में, स्कूटी की व्हील रोलिंग मोशन में। तो जितना ट्रांसपोर्टेशन में आप देखते हो वो सब इसका एग्जाम्पल है रोलिंग मोशन का। किसका एग्जाम्पल है? रोलिंग मोशन का। तो रोलिंग मोशन में कोई बॉडी, रोलिंग मोशन में कोई बॉडी कब कही जाती है, आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो किसी रिजिड बॉडी की जो मोशन होती है वो थ्री टाइप की मोशन ऑब्जर्व करने में मिलती है, एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, एक प्योर रोटेशनल मोशन, एक दोनों का सुपरपोजिशन करा दे तो उसी को हम रोलिंग कहते हैं। तो रोलिंग एक तरह से प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन का एक सुपरपोजिशन है, यह उसका एक कंबाइंड पार्ट है। आइए हम दोनों को पहले अलग अलग डिस्कस करें कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं। देखिए, ये कोई व्हील है, ये एक सरफेस पर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। देखिए, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, 20 cm। टॉप मोस्ट की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, 20 cm। बॉटम की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, 20 cm। और इस पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट रोटेट नहीं कर रहा। इसका मतलब हो गया कि जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे तो उसके हर एक पॉइंट की, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम हो, वही हो जो उसके सेंटर ऑफ मास की है। तो इस तरीके की मोशन को हम ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या प्योर लीनियर मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे तो उसके हर एक पॉइंट की, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी वही हो जो उसके सेंटर ऑफ मास की है और बॉडी का कोई भी पार्ट रोटेट ना करे, तो ऐसी मोशन को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल बॉडी के एक पैरेलल लाइन में मूव करते हैं। ओके, ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव विद सेम लीनियर वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बॉडी का हर एक पॉइंट उसी लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है जिस लीनियर वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करता है। नो पार्ट ऑफ बॉडी रोटेट, बॉडी का कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है। बॉडी हैज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है kT = ½mv² यम टोटल मास है, vcm सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल या लीनियर वेलोसिटी। ये तो रहा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के विषय में। अब आइए प्योर रोटेशनल मोशन के विषय में बात करते हैं। किसी एक साइकिल को आप या बाइक को स्टैंड पर खड़ी कर दीजिए और उसके व्हील को एक्सेलेरेटर लेकर रोटेट कर दीजिए, तो क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन है। देखिए, यहाँ तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास नहीं आगे मूव कर रहा है। तो पहली बात, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं करता है, जैसे सीलिंग फैन की मोशन है, टेबल फैन की मोशन है, ये सब क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन है। जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट ना करे, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीरो हो और पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करे, रोटेट करे, पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है? होल बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मीन्स पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है। सेंटर ऑफ मास डज नॉट ट्रांसलेट
सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं करता। सेकंड, बॉडी हैज ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आई क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ईच पॉइंट ऑन रिम हैज द सेम वेलोसिटी वी इक्वल टू आर ओमेगा। सेंटर पर रिम पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबकी वेलोसिटी सेम होगी, वी सेम इक्वल टू आर ओमेगा होगा। और यहाँ ये ओके आइए देखें। अब हम इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज करा दें तो देखिए वी सी एम पी सी एम कितना हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो वी सी एम यहाँ पर जीरो प्लस वी सी एम क्या हो जाएगा वी सी एम, यहाँ पर वी सी एम पी सी एम अपोजिट डायरेक्शन में टोटल कितना हो जाएगा जीरो। तो ये क्या है? रोलिंग। क्या है? रोलिंग है। जब हम प्योर रोटेट ट्रांसलेशनल मोशन प्योर रोटेशनल मोशन को सुपर इम्पोज करा दें तो उस केस में या कंबाइन कर दें तो हमें प्योर रोलिंग मिलती है। क्या मिलती है? ये प्योर रोलिंग है। अब प्योर रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मीन्स बॉडी का पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो सरफेस के संपर्क में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। मतलब वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। और टॉप मोस्ट पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से ऊपर की ओर बढ़ेंगे जैसे जैसे उसकी लीनियर डिस्टेंस यहाँ से बढ़ती जाएगी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सबसे मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की होगी, सबसे मिनिमम बॉटम की होगी। बॉटम वाला पॉइंट मोमेंटली रेस्ट में होगा, परमानेंटली रेस्ट में नहीं होगा, मोमेंटली रेस्ट में होगा। तो ये क्या है? प्योर रोलिंग है। क्या है? प्योर रोलिंग है। इसमें बॉडी का सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेट करता है और ये बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है। तो जब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेट करे और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करे तो ऐसे मोशन को प्योर रोलिंग कहते हैं। कार जब चलती है तो उसका व्हील क्या करता है? व्हील सेंटर में जो एक्सल पास होता है उसके अराउंड रोटेट करता है और एक्सल क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो क्या है? रोलिंग मोशन है। क्या है? रोलिंग मोशन है। ओके, इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर जाते हैं जैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी इंक्रीजेज, इट इज मैक्सिमम एट द टॉप। लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये मैक्सिमम टॉप पर होगी। और लीनियर वेलोसिटी भी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो आर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आर जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आर जिसका जितना कम होगा लीनियर वेलोसिटी उसकी उतनी कम होगी। यहाँ पर आर सबसे ज़्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके ओके, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब इस केस में दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है तो उसकी वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम केटी बोलेंगे। एक पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक होगी हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें। आइए अब हम देखें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होगी। तो आइए देखें प्योर रोलिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आप रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए हम देखें बताते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, एम टोटल मास है, बी सी एम सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आई क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अब हम चाहते हैं कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आ जाए, तो हो जाएगा हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। तो यहाँ हमने एम के स्क्वायर टाइप कर दिया, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर।
और ओमेगा इक्वल टू बी सी एम अपन आर, तो बी सी एम अपन आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा के इक्वल टू हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर बी सी एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम बी सी एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। यहाँ के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, आर क्या है, रेडियस है उस बॉडी की जो रोटेट कर रही है, बी सी एम क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, एम क्या है, टोटल मास है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई बॉडी की जब वो रोलिंग मोशन के केस में है। अब यहाँ पर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई आ जाएगी। ओके, अब आइए हम इसको रोटेशन के टर्म में निकालें, k इक्वल टू हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा वन प्लस हाफ एम बी सी एम स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमने इससे डिवाइड कर दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, यहाँ पर आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, बी सी एम इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये हम पुट कर दें तो आ जाएगा हाफ के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब कभी कभी यहाँ से आपसे पूछते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो बताओ, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा आप कैसे निकालेंगे, आइए हम बता दें आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करिए तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। आइए देखें कैसे आप निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां से हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अगर इसको परसेंटेज में पूछा जाता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटू हंड्रेड इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इसकी वैल्यू हम आपको कैलकुलेट करा चुके हैं हर बॉडी के लिए, तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी का। अगर वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपॉन टोटल एनर्जी, अपॉन टोटल एनर्जी इंटू हंड्रेड इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू हंड्रेड। यहाँ से आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के उसमें परसेंटेज है। जैसे अगर हम रिंग की बात करें, एग्जाम्पल हम ले लें रिंग की, तो रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन होता है, तो रिंग के लिए रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज आएगा वो आएगा 50%, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंट क्या आएगा 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए रिंग के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो इस 100 जूल में जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 50 जूल होगी, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी 50 जूल होगी। तो रिंग के केस में जितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से आप जो है डिफरेंट बॉडी की यहाँ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करके डिफरेंट बॉडी के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा